नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सव्यसाची सक्सेना, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ नियो ईएनटी क्लिनिक इंदिरापुरम गाजियाबाद, ऑल्सो वर्किंग एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी फोर्टिस हॉस्पिटल सेक्टर 62 नोएडा। आज मैं आपके सामने बहुत कॉमन प्रॉब्लम एक लेकर आया हूं, जिसको बोलते हैं स्नोरिंग या खर्राटे आना। सिंपल टर्म्स में बोलते हैं खर्राटे आना। खर्राटे आना आजकल के लाइफस्टाइल में इतना कॉमन हो चुका है कि वो हमारी एक पार्ट ऑफ लाइफ ही बन गया है। बट क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? क्या ये आपको परेशान कर सकता है? आज मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूँ। खर्राटे आने से आपकी खुद की तो नींद खराब होती ही होती है, उससे ज़्यादा आपके पार्टनर की भी लाइफ खराब होती है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली जो साउंड बजता रहता है उससे आपके साथ सोने वाले व्यक्ति को भी उतनी ही इक्वली परेशानी रहती है। चलिए मान लिया ये परेशानी होती है, बट इसके बियॉन्ड क्या ये इसके बियॉन्ड कोई हेल्थ पे रिस्क डाल सकता है? तो उसका जवाब है हाँ। हम लोग बचपन से अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों को देखते हुए बड़े हुए कि जो खर्राटे लेते रहते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस नाक बजनी ही तो है, कुछ होता ही नहीं है। बट अब स्टडीज़ ये प्रूव कर चुकी हैं कि अगर आपको परसिस्टेंट खर्राटे आते हैं तो दिस कैन लीड टू सीवियर हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस, जैसे कि मोटापा, आपकी प्रॉपर नींद पूरी नहीं होती है तो आपका वजन बढ़ सकता है, आपकी सांस की कमी होती है जिससे आपके बैक फ्लो यानी कि आपके हार्ट और लंग पर असर पड़ता है, आपको ग्रेजुअली सांस की बीमारियां डेवलप हो सकती हैं, आपके हार्ट पे जब प्रेशर पड़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यहाँ तक कि सीवियर कंडीशंस में आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट्स को कुछ और बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि रात में क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर उनको नींद लगती रहती है, दिन भर उनको ऐसा लगता रहेगा कि मुझे अब झपकी आ रही है। थोड़ा बहुत तो ठीक है, बट मान लीजिए कहीं ये कंडीशन तब हो गई जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, तो दिस कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो कि आपके लिए खतरा हो सकते हैं। इसके अलावा आप दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं, आप इरिटेटेड रहते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, स्पेशली कोई फिजिकल काम इन्वॉल्वमेंट होगा मन नहीं लगेगा, मेंटली कोई काम इन्वॉल्वमेंट होगा आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, आप परेशान रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं खर्राटे होते क्या है, क्यों होते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो सांस हमारे नाक से होते हुए गले और गले के बाद हमारे लंग्स में जाती है। खर्राटे आते हैं तब जब हमारे नाक में और गले में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो नाक के पीछे होते हैं, जैसे काग बोलते हैं, तालू बोलते हैं, टॉन्सिल्स बोलते हैं, जीभ के पीछे का हिस्सा होता है, जो सॉफ्ट होते हैं स्ट्रक्चर्स, अगर इनमें ऑब्स्ट्रक्शन या इनमें रुकावट आने लगती है तो सांस लेने पर ये फड़फड़ाने लगते हैं, जैसे वाइब्रेशन बोलते हैं। ये वाइब्रेशन ही अल्टीमेटली आपको खर्राटों की तरह प्रेजेंट करता है। आप नाक से प्रॉपरली सांस नहीं लेते हैं, मुंह अगर खुल जाएगा तो ये वाइब्रेशंस बढ़ जाता है और ये आपको खर्राटे और ज़्यादा महसूस होने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ सिंपल रेमेडीज़ की या ट्रीटमेंट ऑप्शंस की कि खर्राटों को रोका कैसे जा सकता है। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे कि आप कुछ खर्राटों पर रोक लगा सकते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपना वज़न कम कीजिए। वो वेट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिट, आपकी हाइट, आपकी एज के हिसाब से जो वेट है उसको रिस्ट्रिक्शन रखें। कैसे कर सकते हैं आप? अपने खाने का इंटेक कम कीजिए। अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल में ढंग से नहीं खा रहे हैं तो ढंग से टाइम से खाना शुरू कीजिए, टाइम से उठना शुरू कीजिए, छोटे छोटे मील्स मल्टीपल टाइम्स खाइए, हेल्थ में थोड़ा खाने में सुधार कीजिए, ऑयली स्पाइसी कम खाइए, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल पर ज़रा ज़्यादा जोर दीजिए, पानी ठीक से पीजिए, कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बात बन पा रही है, जिम जाना शुरू कर सकते हैं, अपने डाइटिशियन से बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, वेट कैसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है स्लीप ऑन वन साइड, यानी कि एक तरफ करवट करके सोइए, बजाय स्ट्रेट लेटने के आप एक तरफ करवट करके सोइए, प्रेफरेबली लेफ्ट साइड वुड बी प्रेफर्ड, कि लेफ्ट में आप करवट करके सोइए, जिससे कि क्या होगा कि बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी जब आप ऐसे लेटते हैं तो नाक और गला सब पीछे की तरफ टिश्यूज गिर जाते हैं, जब आप साइड की तरफ लेटेंगे तो ये स्पेस थोड़ी ज़्यादा रहती है जिससे आपको ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा मिलती है। थर्ड आ जाता है, सोते समय सिरहाना ऊँचा कर लीजिए, और सिरहाना 4 से 6 इंच काफ़ी है, 4 से 6 इंच थोड़ा सिरहाना ऊंचा कर लीजिए।
कैसे करेंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तकिया लगा के ऊंचा करें, नहीं तो फिर आपके गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, बेड के नीचे थोड़ा सा, बेड का जो हेड एंड होता है उसके नीचे थोड़ा ईंटे लगा के थोड़ा सा 4-6 इंच 30 डिग्री पे कमर से एलिवेशन करवा लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा ब्रीदिंग बेटर हो जाएगी। थर्ड आ जाते हैं डिवाइसेस पे, जैसे कि हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं कई सारे नेजल स्ट्रिप्स या डायलेटर्स बोलते हैं, उसमें पतली पतली स्ट्रिप्स आती हैं जो नाक के ऊपर लगा दी जाती हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि नाक के अंदर की स्पेस जो होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, पेशेंट को बेटर ब्रीदिंग हो जाती है। मैं बहुत रिकमेंड नहीं करता पर्सनली, अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होता है, गुड एनफ, क्या काम चला सकते हैं, टेम्परेरी चीज़ है, कितना रियल लाइफ में फ़ायदा करेगी मैं इस पर खैर कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। चौथा पॉइंट, आपको नाक की कोई डिजीज़ है, कोई कंडीशन है, जैसे क्रॉनिक एलर्जीज है, नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है, साइनसाइटिस है, गले की कोई इन्फेक्शन है, तो इनको जल्द से जल्द ट्रीट करवाइए, बिकॉज जब ये प्रॉब्लम रहती है आपकी नाक में, गले में स्पेस कम रहती है, नाक में डिस्चार्ज भरा रहता है, पॉलिप्स होगा तो स्पेस बनी रहेगी, आप इनको एज अर्ली एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से मिलकर ट्रीट करवाइए, ताकि नाक के अंदर स्पेस बने और आप बेटर ब्रीथ कर सकें। ये ट्रीटमेंट मेडिकली भी हो सकता है, ये ट्रीटमेंट सर्जिकली भी हो सकता है, जो भी ट्रीटमेंट होगा आपका डॉक्टर आपको, ENT डॉक्टर आपके बेटर गाइड कर देंगे आपको। छठा टिप जो है वो है, अपना अल्कोहल इनटेक कम कीजिए, स्पेशली बेड पर जाने से पहले अल्कोहल इंटेक आप कम रखिए। साइंटिस्ट ने 100% प्रूव किया है कि अल्कोहल आप जब लेके तुरंत सोने चले जाते हैं तो आपकी बॉडी की टोन ख़राब हो जाती है, आपकी बॉडी के जितने भी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स पड़ जाते हैं, और जब ये रिलैक्स हो जाएंगे आपको सांस ख़राब तरीके से आएगी, आपके नाक और गला बंद हो जाएगा, आपके खर्राटे बढ़ जाएंगे। सेवेंथ टिप है, स्टॉप स्मोकिंग। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, स्मोकिंग हर तरह से ख़राब होती है, नाक और गले पे भी ख़राब असर डालती है, जितना ज़्यादा हो सके स्मोकिंग को कट कीजिए। आठवां आ जाता है, प्रॉपर स्लीप लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई आजकल मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप है कि 7-8 घंटे की स्लीप हर एडल्ट को लेनी ही चाहिए। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, सही टाइम से बेड पे नहीं जाते हैं, दिन भर आप ऊँगे ऊँगे रहेंगे, आपको प्रॉपर सांस नहीं आएगी, प्रॉपर स्लीप नहीं आएगी, तो आप रात में भी परेशान रहेंगे, आपको खर्राटे आ सकते हैं। नाइन्थ आ जाते हैं ओरल अप्लायंसेस पे, जैसे नाक के लिए स्प्लिंट्स आते हैं, वैसे मुंह के लिए भी कुछ डिवाइसेस आते हैं जो डेंटिस्ट यूजली बनाकर देते हैं, दांत में फिट कर लिए जाते हैं, उससे आप दांत किटकिटाते नहीं हैं, थोड़ा सा मुंह जो आपका पैलेट बोलते हैं, जो काग होता है वो थोड़ा सा सधा हुआ रहता है, जिससे कि आप बेटर सांस ले सकते हैं, बट अगेन इट्स अ डिवाइस, नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को फ़ायदा कर सकता है, किसी को फ़ायदा नहीं भी कर सकता है। इसके बाद आते हैं मेडिकल इंटरवेंशन पे, मेडिकल इंटरवेंशन जिसमें कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर आपको बताएंगे क्या करना है। ये जनरली उन केसेस में सिवाय मतलब सिर्फ स्नोरिंग की आवाज़ से जो परेशान है उनको तो हेल्प करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा जो इससे एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि सांस रुक रही है, पेशेंट को लगता है कि रात को सोते सोते अचानक मेरी सांस रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, फिर अचानक से उछकता है, फिर वो सांस लेता है, फिर उसको फिर थोड़ी देर के लिए नींद आएगी, फिर वो उछक जाएंगे, या जिसको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, डायबिटीज़ शुरू हो गई है, बार बार क्योंकि मुंह सूखता है तो पानी पीते हैं उसकी वजह से बार बार यूरिन जाना पड़ता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे कॉमनेस्ट जो टेक्निक होती है, सबसे कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो उसमें हम करवाते हैं स्लीप स्टडी, यानी कि रात भर पेशेंट को सुलाया जाता है, उसके हाथ पैर सर पे सब जगह कुछ कुछ मॉनिटर्स करने के लिए हम गैजेट्स लगाते हैं, जिससे रात भर उसकी स्लीप पैटर्न ऑब्जर्व की जाती है, पेशेंट को कितनी देर के लिए सांस रुक रही है, कितनी बार सांस रुक रही है, उसके हिसाब से स्टडी करी जाती है, और उसके अगेंस्ट पेशेंट को एक CPAP मशीन दी जाती है, जिससे कि एक मास्क लगाया जाता है पेशेंट को और उससे फोर्सफुल एयर आती है जिससे कि पेशेंट के स्नोरिंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। ये सबसे कॉमनेस्ट टेक्निक है और ज़्यादातर पेशेंट्स को फ़ायदा कर जाती है। इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसमें फ़ायदा ये है कि आपको तुरंत आराम आ जाता है, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है। नुकसान क्या है कि आप जब भी सोएंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हैं, चाहे प्लेन में जा रहे हैं, चाहे कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको मशीन कैरी करनी पड़ेगी और साथ को उसको लेके चलना पड़ता है। जिनको आराम आता है उन्हें करना भी चाहिए।
इसके बाद अगर लगता है कि मेडिकली चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, देन वी गो टू सर्जिकल थिंग्स। उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन होते हैं, जिसमें मैंने बताया था नाक की तो बड़ी कॉमनली सर्जरीज हम करते ही हैं, इसके अलावा गले की, पैलेट की, मैंडिबल की सर्जरीज भी करी जाती हैं। लेकिन ये सर्जरीज हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ पेशेंट को इससे बेनिफिट होगा, पेशेंट इंक्लाइंड है करने के लिए और हाँ उसके रिजल्ट मिल सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको देखेंगे, कुछ हो सकता है सीटी स्कैन कराएं, एमआरआई कराएं, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि हाँ ज़रूरत है और पेशेंट को फ़ायदा होने वाला है तो ज़रूर बताई जाएगी या करी भी जाएगी। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्नोरिंग ना सिर्फ आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। स्नोरिंग सिर्फ आवाज़ तक ही रिलेटेड इशू नहीं है, इससे सीवियर हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, तो कृपा करके आप इसे सीरियसली लीजिए। और अच्छी बात यह है कि सबके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, सबके मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, ज़रूरत है बस अवेयर होने की, और वही हमारा मकसद है कि हम आपको अवेयर कराएँ और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।